मेरे पियो, हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं पवित्र आत्मा का कार्य। पहला है, पवित्र आत्मा हर परिस्थिति में हमें शांति देता है। दूसरा है, पवित्र आत्मा दुख में धीरज देता है। तीसरा, पवित्र आत्मा भेद और ज्ञान की बातों को प्रकट करता है। चौथा है, पवित्र आत्मा बीमारी से चंगा करता है। पांचवा है, पवित्र आत्मा बुरी आत्माओं से छुटकारा देता है। छठवा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता की आज्ञा पालन करने में हमको बनाए रखता है। सातवा है, पवित्र आत्मा हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है, वो हमारे संग संग रहता है। आठ पद है, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बोलता है और सामर्थ्य का काम करता है। हालेलुया। नौवा है, पवित्र आत्मा बात करता है और सारी बातों को दर्शन के द्वारा प्रकट करता है। हालेलुया। दसवा है, पवित्र आत्मा हमारा परमेश्वर है जो कि हमारा सबसे सच्चा मददगार है। ग्यारहवा है, पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना की गहराई में लेकर चलता है। बारहवा है, पवित्र आत्मा हमें वचनों की गहराई में लेकर चलता है। तेरहवा है, पवित्र आत्मा उपवास करने में हमारी सहायता करता है। जी मेरे पियो, जब हम उपवास होते हैं तो पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है हर एक पलों में, हर एक समयों में। और चौथा है, पवित्र आत्मा शांति और आनंद का एक खजाना है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा तो आपके अंदर शांति और आनंद का एक भरपूरी से उमड़े रहेगा। और पंद्रहवा है, पवित्र आत्मा मनुष्य को पवित्र रखने में सहायता प्रदान करता है। इसीलिए जो मनुष्य पवित्र आत्मा से भरा है वह कभी विचलित नहीं होता और ना ही कभी दूसरे को विचलित करता है। दूसरों की भी आशीष, उन्नति और चंगाई का छुटकारे का कारण बनता है। मैं पियो, इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ, आप पवित्र आत्मा का दान प्रभु यीशु से मांगे, क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है। जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे वस्तुएं देना चाहते हैं तो मांगने वालों को स्वर्ग पिता पवित्र आत्मा का दान क्यों ना दें। मांगो तो पाओगे। हम उसके पीछे एक सच्ची लालसा होनी चाहिए जो कि हमारे दिल में होनी चाहिए। जो दिल में है वही आपके मुंह पर भी आनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और क्या हम मन में सोचते हैं, वो परमेश्वर सोचने से पहले ही हर एक भेद की बातों को जान जाता है। इसीलिए जब भी आप प्रभु से प्रार्थना करें पवित्र आत्मा के लिए, तो उससे पीछे सही मनसा होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भी लोग पवित्र आत्मा का कार्य को जानकर आशीष को प्राप्त कर सके। गॉड ब्लेस यू।